आमिर खान की नई मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस फिल्म को नहीं देखने की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आमिर खान लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ये फिल्म जाकर देखें। असल में आमिर खान ने पहले ऐसे कई बयान दिए जिसकी वजह से दर्शकों के मन में उनकी इमेज एक देश विरोधी के तौर पर बन गई है। उनकी पिछली फिल्मों को लेकर उन पर दोष लगे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित किया, जैसे कि पीके फिल्म। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह है उनका तुर्की के साथ संबंध होना। असल में 2020 में उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग तुर्की में की थी और उस समय तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी, जिसके ऊपर लोगों ने विरोध किया था कि आखिर देश के दुश्मनों के साथ यह दोस्ती ठीक नहीं। इसके अलावा एक बार आमिर खान ने अपनी एक्स पत्नी किरण राव के बारे में बताया कि उनको भारत में रहने से डर लगता है। यही वजह है कि लोग इस फिल्म को ना देखने की अपील कर रहे हैं।